नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज़ यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। शहर में शामिल गांवों की भी बनेगी घरों, नगर निकायों में जुड़े गांवों के लिए स्वामित्व योजना को मंजूरी, यूपी कैबिनेट के फैसले। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साल में अलग अलग नगरीय निकायों में शामिल हुए गांव में भी स्वामित्व योजना लागू होगी। इसके तहत गांव में आबादी और अभिलेख का सर्वे कर घरौनी दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले 3 साल में 153 से अधिक नगरीय निकायों का गठन या विस्तार हुआ है। इसमें हजारों गांव शहरी निकायों का हिस्सा बने हैं। लखनऊ में ही 88 गांव नगर निगम में शामिल किए गए हैं। राजस्व विभाग इन गांव में भी स्वामित्व योजना के तहत सर्वे करेगा। फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इससे निवासियों को उनके घर, प्लॉट आदि के प्रमाणिक दस्तावेज मिलेंगे। इसका इस्तेमाल बैंक से लोन लेने सहित अन्य काम में भी हो सकेगा। जनता के बीच 100 दिन की उपलब्धियां लेकर जाएगी योगी सरकार। 6 महीने की बताएंगे लक्ष्य। योगी सरकार 2.0 के पहले 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार के सभी मंत्री जनता के बीच जाएंगे। 4 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश स्तर और शेष सभी मंत्री निर्धारित जिलों में जनता के बीच जाकर सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां और आगामी 6 माह के लक्ष्यों को बताएंगे। सीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में विभिन्न विभागों ने प्रेजेंटेशन दिया है। प्रदेश में 25 मार्च को योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद सीएम योगी ने सभी विभागों को 100 दिन 6 महीने 1 साल 2 साल और 5 साल की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। सरकार के 100 दिन का कार्यकाल 5 जुलाई को पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को 100 दिनों का लक्ष्य हर हाल में 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा रेलवे क्रॉसिंग पर बनेंगे ओवर ब्रिज या अंडरपास। प्रदेश में 300 से ज्यादा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज या अंडरपास बनाए जाएंगे। इसके तहत सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से फंडिंग के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और प्रदेश सरकार के बीच MOU के लिए प्रस्तावित मसौदे को मंगलवार को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश में करीब 3000 क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज या अंडरपास बनाए जाने की जरूरत है। पहले दौर में 300 क्रॉसिंग को प्राथमिकता पर रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति दी गई थी। आपको बता दें प्रदेश सरकार के साथ ही मोर्थ और रेलवे मंत्रालय सुरक्षित एवं निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण क्रॉसिंग पर रेलवे ऊपर निगामी सेतु का निर्माण कराए जाने पर सहमत है। आपको बता दें कि MOU के अनुसार प्रदेश के राज्य मार्ग, जिला मार्ग व अन्य जिला मार्गों पर जहां रोजाना 1 लाख से ज्यादा वाहन गुजरते हैं, यानी तकनीकी भाषा में TDU 1 लाख से अधिक है, वहां ROB का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग पर आने वाला व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। शेष धनराशि मोर्थ और रेलवे विभाग समान रूप से वहन करेंगे। प्लास्टिक से मुक्ति के लिए रेस अभियान का शुभारंभ। सीएम योगी ने बाढ़ पर बुलाई बैठक। यूपी को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए आज रेस महाअभियान का शुभारंभ किया गया। केंद्र सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक के विभिन्न वस्तुओं के उपयोग पर जुलाई से प्रतिबंध लगाने जा रही है। प्रदेश की जनता को सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों से अवगत कराने के लिए यूपी सरकार GIZ इंडिया के सहयोग से 29 जून से 3 जुलाई तक रेस महाअभियान चला रही है। उधर बाढ़ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11:30 बजे से अपने आवास पर अधिकारियों की बैठक लेने जा रहे हैं। कल सीएम ने अपने मंत्रियों को हिदायत दी थी कि वे 100 दिन के एजेंडे के अधूरे पड़े काम 30 जून के पहले यानी अगले 24 घंटे के भीतर पूरे कर ले, साथ ही किए गए कार्यों के बारे में रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि जो काम अधूरे रह गए हैं उनको जल्द से जल्द 30 जून को उनकी समीक्षा करें। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन 2 जुलाई को पूरे हो रहे हैं। सीएम अपनी सरकार का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड 4 जुलाई को जनता के सामने रखेंगे। यूपी बोर्ड के कॉलेजों में बुलंदशहर को मिला पहली एस्ट्रोनॉमी लैब बनाने का गौरव। अंतरिक्ष के रहस्य जानेंगे छात्र। जिले के 109 पार्षदीय विद्यालयों में चल रही नक्षत्र शालाओं को भंडार मानकर माध्यमिक शिक्षा विभाग भी ऐसे अभिनव प्रयोग करने की दिशा में काम कर रहा है। विद्यार्थियों को विज्ञान विषय सरल तरीके से समझाने के लिए विद्यालयों में खगोलीय वैद्यशाला बनाई जा रही है।
जिले के लिए ये गौरव की बात है कि इस अभिनव प्रयोग के लिए विभाग ने प्रदेश में यहाँ के शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज का चयन किया है। विद्यालय की खगोलीय वैद्यशाला बनकर तैयार है। खगोलीय वैद्यशाला का 15 जुलाई को इसका विधिवत उद्घाटन होगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य सीपी अग्रवाल ने बताया कि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला के प्रयासों से यह संभव हो पाया है। खगोलीय वैद्यशाला के प्रस्ताव और इसके क्रियान्वयन तक उन्होंने इसमें दिलचस्पी दिखाई है, इसी कारण ये अभिनव प्रयास सफल हो पाया है। आपको बता दें कि डीआईओएस शिव कुमार ओझा ने बताया कि प्रदेश में ये पहली खगोलीय वैद्यशाला है। विभाग जल्द ही खुर्जा के इंटर कॉलेज में दूसरी वैद्यशाला बनाएगा। यूपी में जॉब वैकेंसी, जल निगम शहरी में 1479 पदों पर जल्द होगी भर्ती। जल निगम शहरी में अधिकारी से लेकर बाबू तक के खाली पदों पर 1489 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जल निगम प्रबंधन ने वार्षिक कार्य योजना में इन रिक्तियों का उल्लेख करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव संबंधित आयोग को भेजा जाएगा। स्वीकृति पदों में समूह का के 37, खा के 172 व समूह गा के 1289 पद खाली है। समूह गा वर्ग में 322 तकनीकी सेवा के पद हैं। अधिकारियों को खासकर अभियंताओं और तकनीकी पदों पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों के न होने से बाधा आ रही है। कुछ पदों पर संविदा या सेवानिवृत्त होने वालों को रखकर काम चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को पूरी स्थिति से अवगत कराया गया है। पहले तो अधिकारी वर्ग को छोड़कर अभियंता और लिपिक वर्ग और भर्ती का अधिकार संवर्ग पर भर्ती का अधिकार जल निगम प्रबंधन के पास ही था, लेकिन समाजवादी सरकार में हुई धांधली के बाद सभी भर्तियां संबंधित आयोगों को दे दी गई है। 30 जून तक करा ले ये काम, नहीं तो जुलाई में मिलने वाली पेंशन रुक जाएगी। राजधानी लखनऊ की करीब 50,000 गरीब बुजुर्गों को 3 माह बाद मिलने वाली पेंशन रुक सकती है। ये पेंशन के ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने अभी तक अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है, जबकि गुरुवार तक पेंशन के सभी लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण कराया जाना है। राजधानी में वृद्धावस्था पेंशन के 93,632 लाभार्थी हैं, इनमें से करीब 53,000 लाभार्थियों ने अभी तक अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है। सबसे खराब स्थिति शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों की है। शहरी क्षेत्र के 32,768 बुजुर्ग लाभार्थियों में से 25,000 ने प्रमाणीकरण नहीं कराया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में करीब 50% प्रमाणीकरण हो चुका है। लखनऊ नगर निगम क्षेत्र की बात की जाए तो शहर में वृद्धावस्था पेंशन के 22,717 लाभार्थी हैं, इनमें से बीते करीब 2.5 माह से चल रहे अभियान में मात्र 15,000 ने, आपको बता दें मात्र 1,500 ने आधार प्रमाणीकरण कराया है। करीब 21,000 लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण अभी तक नहीं हुआ है। जिला समाज कल्याण अधिकार सुनीता सिंह बताती हैं कि जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण हो जाएगा उनके खातों में ही पहली पेंशन भेजी जाएगी। इस बार अप्रैल मई जून की पेंशन खातों में भेजी जाएगी। 24 घंटे में झमाझम बारिश, पूर्वी हवाओं ने पकड़ा जोर, गर्मी में मिलेगी राहत। सुबह भारी उमस के बाद दिन लखनऊ में झूम के बादल बरसे। भले झमाझम बरसात ना हुई हो पर मौसम सुहाना हो गया। भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। पूर्वी हवाओं ने सोनभद्र में ठहरे मानसून को जगा दिया है, वह तेजी से सक्रिय हो गया है। अगले 24 से 48 घंटे के भीतर मानसून लखनऊ में धमाकेदार एंट्री कर सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि अब बरसात के दिन आ गए हैं। अगले 3-4 दिन कहीं कम और कहीं ज्यादा बरसात होने की संभावना है। दिन के बारे में भी गिरावट होगी। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि सोनभद्र में मानसून कई दिनों से कमजोर हो रुका है। सोमवार से पूर्वी हवाओं ने जोर पकड़ा, इससे मानसून को ताकत मिली है। अब ये तेजी से आगे बढ़ेगा। अगले 24 से 48 घंटे के भीतर मानसून के लखनऊ में जोर शोरों से प्रवेश करेगा। सीएम योगी का नोएडा को खास तोहफा, 15,950 करोड़ से बनेंगे डाटा सेंटर पार्क, रोजगार की होगी बारिश। दिल्ली से सटे नोएडा के खाते में जल्द एक और उपलब्धि दर्ज होने वाली है, जिसके तहत शहर में 4,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो सकेंगे। दरअसल मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की गई। बैठक में नोएडा में 4 डाटा सेंटर पार्कों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिसे डाटा सेंटर नीति 2021 के तहत मंजूर किया गया है। यानी कि चारों निवेशकों को डाटा सेंटर नीति 2021 के तहत अनुमान्य प्रोत्साहन संबंधी सभी छूट दी जाएंगी। वही नीति के तहत विभिन्न निवेशकों की तरफ से करीब 15,950 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करते हुए 4 डाटा सेंटर पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसे 4,000 लोगों को प्रत्यक्ष और एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। वहीं योगी कैबिनेट की तरफ से मिली मंजूरी के बारे में जानकारी देते हुए
अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार ने बताया कि इसके तहत मेजर्स एनआईडीपी डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में 9,134.90 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसके चलते 1,450 लोगों को रोजगार के माध्यम मिल सकेंगे। पीएम मोदी का वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त राष्ट्र बनाने का लक्ष्य, निक्षय मित्र अभियान से खत्म किया जाएगा क्षय रोग। देश को टीबी मुक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में मोदी सरकार बड़ा ऐलान करने जा रही है। इसके लिए मोदी सरकार अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। बहुत जल्द ही पीएम मोदी देश के सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ मीटिंग कर ये जिम्मेदारी सौंपेंगे। टीबी मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए राज्यपाल और उपराज्यपाल को निक्षय दूत बनाया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 4 साल पहले मध्य प्रदेश में राज्यपाल रहते हुए इस आइडिया पर काम किया था। पटेल ने बाद में यूपी में भी इस आइडिया के तहत टीबी मरीजों को खुद में भी गोद लिया और दूसरे स्वयंसेवी संस्थाओं को इन मरीजों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी आइडिया को अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरे देश में लागू करने का फैसला किया गया है। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।